विभाग और भ्रष्टाचार चोली दामन के साथ जैसे लगते हैं। बिना भ्रष्टाचार के प्रदेश में कोई काम होना जैसे नामुमकिन सा ही है। एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है डिंडोरी से, जहां लोक निर्माण विभाग द्वारा बड़ा घोटाला कर सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। डिंडोरी जिले में सड़कों की मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग के अफसर व ठेकेदार सरकार की आंखों में धूल झोंकने से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने जिन सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत नई सड़क बनाने की मंजूरी दे रखी है, उन स्वीकृत सड़कों के मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा आनन फानन में लाखों रुपए फूके जा रहे हैं। यह मामला बजाग विकास खंड के वनांचल जल्दा बौना मार्ग का है, जहां एक महीने पहले सड़क की मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा ठेकेदार को करीब 45 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। और यही नहीं, सड़क मरम्मत के नाम पर ठेकेदार ने पुरानी सड़क के ऊपर जो गिट्टी की पतली परत बिछाई है वो पूरी तरह से उखड़ गई है। सड़क की मरम्मत की गुणवत्ता का कितना ख्याल रखा गया है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि छूने भर से सड़क के कंकड़ पत्थर डामर सहित उखड़कर हाथ में आ जाते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि तो इस बात पर अचंभित हैं कि जब सड़क की हालत सालों से खराब थी, तब लोक निर्माण विभाग के द्वारा मरम्मत नहीं कराई गई, और जब सरकार ने इस मार्ग को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत करीब 2.5 करोड़ की लागत से बनाने की स्वीकृति दे दी है, तब लोक निर्माण विभाग आनन फानन में सड़क मरम्मत कर लाखों रुपए खर्च क्यों कर रहा है। स्थानीय ग्रामवासियों ने लोक निर्माण विभाग के अफसर व ठेकेदार पर सड़क की मरम्मत में मिलीभगत कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। अब इस पूरे मामले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री एस ठाकुर कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। अब ये जो है, ये रोड अपने को गाड़ासरी जोड़ती है, गाड़ासरी से सीधा समनापुर जोड़ती है, और यहाँ से सीधा फिर बजाग जोड़ती है, है ना। तीनों जगह से अपने को मतलब की जोड़ता है ये, है ना। अगर देखी जाए इसकी मतलब इसकी यहाँ पर काम को देखा जाए तो पूरी तरह से मतलब कहा जाए तो घटिया सामग्री का ऑयल डाल दी है दादा, क्या चीज डाले हैं पता नहीं, पूरा मतलब गिट्टी से गिट्टी हो गया आइड साइड में पूरा, है ना। सिंगल गाड़ी चलने तक की जगह इसमें बड़ी मुश्किल हो रही है। ये गाड़ासरई से बौना रोड है जो झिंझरी से जल्दा बौना की ओर जाती है। इसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा 45 लाख रुपए का आहरण कर लिया गया है। 4 किलोमीटर लगभग रोड रिपेयरिंग ठेकेदार के द्वारा कराई गई और 5 किलोमीटर का पैसा निकाल के 45 लाख रुपए का पूरा भुगतान ठेकेदार के साथ मिलकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने आहरण कर लिया। और गजब की बात यह है, ये काम सारा कांड तब हुआ है जब ये रोड नई बनने के लिए 2.5 करोड़ की लागत से स्वीकृत हो गई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।